साथियों हम एक परिवार में मौजूद हैं खेलली हफीजपुर में। प्रदीप जी के ये बेटे हैं, इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उड़ीसा में गए, ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, आज यहाँ पर स्वागत भी हुआ। तो हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं, साधारण परिवार से जुड़े हैं, यानी साधारण परिवार से ये प्रतिभा निकली है। और तो हम प्रदीप जी से बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, आपके बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और आपका एक एक पैसा कमाया हुआ, बड़ी मेहनत का पैसा जो आप अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस हो रहा? देखिए सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, गांव खेली हफीजपुर दनकौर स्टेशन का रहने वाला हूँ। ये हमारे बच्चे आर्यन कार्तिक गौतम बुद्ध नगर में से यहाँ से उड़ीसा गए थे, उड़ीसा से मेडल जो जीत के लाए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत खुश है इस समय। और हम प्रदीप सर को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं जो हमारे बच्चे इनको दूर दूर लेके जा रहे हैं। और ये हमारा परिवार है, हम बस जोर यही लगा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे थोड़े कामयाब हो जाएं। अच्छा, बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, तो क्या उम्मीद है जैसे बच्चे आगे भी मेहनत करेंगे तो आप कदम से कदम मिला के साथ चलेंगे? उम्मीद तो हम बहुत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करके ये चार कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इनके कदम से कदम मिला करके हम इनके साथ, इनका भरोसा टूटने ना देंगे आज तक। जो भी जब भी ये कहेंगे कि जहाँ भी जाएंगे वहीं इनको भेजने के हम पूरे पूरे इरादे से पूरे पूरी मेहनत करेंगे इनके साथ में। आर्यन, आपने बड़ी प्रतियोगिता जीती है, आज स्वागत भी हुआ, और आपके पिता बड़ी मेहनत करके, क्योंकि एक तरीके से ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ये प्रतियोगिता जीती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हम देश के लिए, अपने पापा पापा के लिए, सबके लिए मेहनत करते हैं, नाम रोशन करेंगे। मतलब कि ये हमने उड़ीसा में ताइक्वांडो गेम में जीता। अच्छा, आगे क्या है योजना, क्या सपना है? जी एक ताइक्वांडो प्लेयर बनने सोच, प्लेयर बनना है। बिलासपुर कस्बे में चला रहे एकेडमी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में कई खिलाड़ी उड़ीसा में पदक जीतकर जब लौटे तो उनके परिवार जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये स्वागत कार्यक्रम दनकौर क्षेत्र के खेलली हफीजपुर में किया गया। प्रदीप कुमार के दो बच्चे गोल्ड मेडल जीत कर आए, तो उनके साथ ही और दर्जनों बच्चों का यहाँ क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इसमें ज़्यादातर बच्चे दनकौर क्षेत्र के खेलली भाव में स्थित अमीचंद सर्वोदय स्कूल के छात्र हैं, तो वहाँ के स्कूल के स्टाफ के लोग भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इन बच्चों का स्वागत किया और ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने इनका ज़ोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हमने इनके परिवारजनों से और इनके कोच और खुद इन खिलाड़ियों से बातचीत की, जहाँ प्रदीप कुमार जिनके यहाँ स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि उनके बच्चे उनका और गांव का और क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करें। देखें पूरे कार्यक्रम की झलकियां और सभी से बातचीत। जी आपके बच्चे ये पदक जीत के लाए हैं, इतने बड़ा सम्मान है और स्वागत भी हुआ है आपके लिए, जी कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बच्चों ने? महसूस तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हम तो इसका पुरस्कार जो अपने सर जी को देंगे, प्रदीप सर को, यही इन बच्चों को लेके जा रहे हैं, दूर दूर तक लेके जा रहे हैं। टूंडला भी गए थे, टूंडला से भी जीत के लाए थे ये, और दिल्ली भी गए थे, इनका ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे जीत के आए हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। सरकार जी, बच्चे पदक जीत के आए हैं और उड़ीसा से बहुत दूर से जी, और इनका सिलेक्शन हुआ, आज इनका स्वागत भी किया गया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। और कोच सर का भी हम स्वागत करते हैं इस बात का कि हमारे बच्चे जीत के आए वहाँ से, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका, कौन सी प्रतियोगिता थी, कौन से खेल में थी, कहाँ जीती? मेरा नाम मदीना है, मैं काइट कमांडो में सीखी, मेरा सिल्वर मेडल आया है। आज आपका स्वागत हुआ यहाँ पर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्यन जी, आपने प्रतियोगिता जीती है, आज आपका स्वागत भी हुआ, कौन सी एकेडमी है जिससे कोचिंग ले रहे हैं आप, और कैसा महसूस कर रहे हैं? दादी स्पोर्ट एकेडमी हमारी बिलासपुर में, और हम उड़ीसा खेलने गए हैं ताइक्वांडो गेम। ताइक्वांडो में पदक जीता आपने? यस। कितने लोग थे आप? हमारे 18 जने थे। सबने प्रतियोगिता जीती है? यस। मैं आपका माय नेम इज संसू।
जी आपने प्रतियोगिता जीती, स्वागत हुआ या खेली अपील, क्या कहेंगे आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हाँ मेरे कोच बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी हो रही है। तो कैसा महसूस कर रही है आज आपका स्वागत हुआ? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं आपका और ये प्रतियोगिता जीती आपने, स्वागत हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम खैर निशा है, मैं ताइक्वांडो में ये प्रतियोगिता जीत के लाई हूँ और उड़ीसा से, और मैं अपने सर को धन्यवाद कहती हूँ। आपके ट्रेनिंग दिए बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, यहाँ खेल भी अपनी पूर्व स्वागत भी हुआ जी सर। कहाँ हुई प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता थी, कितने छात्र शामिल हुए और आपके कितने छात्रों ने कामयाबी हासिल की, क्या कहेंगे आप? सर एक प्रतियोगिता जो हुई थी ये उड़ीसा में हुई थी, उड़ीसा के राउरकेला में, और इस प्रतियोगिता 30 और 31 दिसंबर को आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का नेशनल चैंपियनशिप थी ये, और इसमें द ड्रीम्स अकेडमी बिलासपुर के बच्चों ने 15 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि वहाँ पे यूपी की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे सारे ही स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, गुजरात हुआ, असम हुआ, यूपी, दिल्ली, उधर मेघालय से हुआ, सारे छात्र आए थे इधर, और टोटल 1200 प्लस छात्र थे जो वहाँ पार्टिसिपेशन में आए थे, और हमारे बच्चे 15 बच्चे गए थे अकेडमी से खेलने के लिए, जिनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा था, जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल जीते हैं, बाकी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आपकी एकेडमी कहाँ पर है, कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ सर, मेरी एकेडमी द ड्रीम स्पोर्ट्स बिलासपुर में है, ये जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और लगभग 30 से 35 बच्चे में जो मेरे पास में है, जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ उस टाइम। कौन से स्कूल के बच्चे हैं जो ज्यादातर जो जिन्होंने हाँ सर, ये अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल खिल्ली भाव के बच्चे हैं, जो कि धनकौर पड़ता है स्कूल। ऐसा माहौल हर किसी बच्चे को नहीं मिलता है, बड़ा खुश हूँ मैं इस चीज से, मेरे गांव के बच्चे, मेरे अपने परिवार के बच्चे और सभी बच्चे जो गांव से जो आए हैं, ये भी बच्चे हैं, ये अपने मेरे बच्चे हैं, बड़ा खुश महसूस है। मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ से आगे बढ़े और देश का, हमारा माँ बाप बच्चों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, मैं इसी बात को अपने गाँव का रोशन करें, गाँव का नाम रोशन करें, इसी बात को मैं चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, स्कूल के बारे में ये कहूंगा, हमारे जो टीचर गण हैं जो उनको साथ में लेके गए हैं, मैं उनके भी धन्यवाद देता हूँ जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इस लाइन में डाल रहे हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहेंगे आपके स्कूल के बच्चों ने कामयाबी हासिल? जी सबसे पहले मैं सर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों को जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। एक्चुअली क्या होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है, तो आज भी ये करके दिखा दिया है हमारे होनहार छात्रों ने, जिन्होंने छात्र छात्राएं जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी और हमारे इस देश का, हमारे समाज का, हमारे स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और मैं उन अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहते हैं कि अ हेल्थी माइंड रिजाइड इन अ हेल्थी बॉडी, जब मनुष्य का मस्तिष्क, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ही वो कुछ आगे कर पाएगा, और इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं हमारे टीचर्स, जो आज हमारे कोच सर हैं मिस्टर प्रदीप कुमार सर, जिनकी मेहनत और लगन से आज इन बच्चों ने कामयाबी हासिल करी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज में, और मैं यह चाहता हूं कि बच्चे भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने समाज और देश का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।